ये वही पेड़ जो दूध के कर्ज में दिखाया जाता है अंकल, यही पेड़ है ना जो दूध के कर्ज फिल्म में दिखाया जाता है? तो सारा सीन यही पे फिल्म आया, यही पे फिल्म आया था। फिल्म का स्टार्ट था और लास्ट ये हमारे गांव में हो गया था। और ये जो अमरेश पुरी हैं और जेकी सराफ जी हैं, इन लोगों से आप देखा यहाँ मिले उनसे? खुद से मिले, खुद से हाथ मिले मैंने। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको दिखाएंगे जो दूध का कर्ज फिल्म है उसकी लोकेशन, जहाँ पे क्या होता है कि फिल्म के जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में एक सीन आता है जो जेकी सराफ के पिता रहते हैं फिल्म के अंदर, जो सफेरे का रोल करते हैं। तो क्या होता है, जो अमरेश पुरी होते हैं ना, वो उन पे हीरो का इल्ज़ाम लगा के एक पेड़ के नीचे बांध कर उन्हें मारते हैं ना, तो फिर वो मर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो जेकी सराफ बड़े होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं सफेरे के, वो बड़े होकर जो सदाशिव होते हैं उनको उसी पेड़ में फिर बांध के मारते हैं। तो वो पेड़ आज किस स्थिति में है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर हम आपको दिखाएंगे जो दूध का कर्ज फिल्म है, जो कि जेकी सराफ की बहुत ही सुपरहिट फिल्म है और उसकी आज भी बहुत सारी रीलें वायरल होती रहती हैं। तो दूध के कर्ज की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जहां पर वो पेड़ था वो आज किस स्थिति में है, और वो गाँव कौन सा गाँव है और वहाँ के लोग कैसे हैं, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंट्रो को जरूर पूरा वाच कर लेना, और अगर इंट्रो को पूरा वाच कर लिया है, यहाँ तक आ गए हैं, तो वीडियो को समय देके 4 से 5 मिनट जरूर देना, क्योंकि आपको एक यूनिक जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक जानकारी छोटी सी दे देते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी एक्टर्स का हाउस देखना हो या किसी भी फिल्म की लोकेशन देखनी हो, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि किस एक्टर्स और किस फिल्म की शूटिंग लोकेशन आपको देखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा लोकेशन पे। तो फाइनली गाइज, अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले हम यहां का नज़ारा आपको दिखा देते हैं और उसके बाद सामने अंकल बैठे हैं, आप देख पा रहे होंगे, उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे फिल्म के बारे में। तो चलिए पहले यहां का नज़ारा दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको, अंकल जी से बात कराते हैं और फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो अभी हमको अंकल बताएंगे कि कौन सा सीन कहाँ पे लिया गया था। अंकल बताओ चल के कि किस जगह पे उनको बांधा था, किस जगह पे पेड़ ये वाला पेड़ है? ये टीवी में अभी पूरा दिख रहा है। हाँ, ये वाला खंबा जो पूरा पुल है वो पूरा दिख रहा है। हाँ हाँ, अच्छा इस जगह पे बांधा था ये पेड़ था इधर ऊपर। हाँ हाँ, अच्छा ये इधर से इधर आया था पेड़। हाँ, ये कटा हुए जो डाल दिख रही है इस जगह पे बांधा था। अच्छा ये वही जगह है, और जब सारे गांव वाले चारों तरफ से होते हैं, सब तरफ से देख रहे थे, सब तरफ से देख रहे थे, तो फिर इसी जगह पे रुमाल था वो। हाँ, कोई सांप इधर था। हाँ, इसके ऊपर सब पूरा नारा था उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसे इलेक्ट्रिक रहते तो बटन दबाया तो जब मार के काट दिया। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए जब वो लोग मारते रहते हैं तो उसके बाद जो बड़े ठाकुर होते हैं वो किधर से आते हैं, जब कहते हैं कि रघुवीर ऐसे नहीं बोलते हैं? नहीं मालूम, इधर ही किधर से आते हैं। अच्छा अभी सिर्फ ये इतना ही पेड़ बचा है और ये वाला शायद दिखाया जाता है ना, ये दोनों तीन ही पेड़ है इसे। ये नया वो है। अच्छा वो वाला नया पेड़ है ये वाला? ये वो पानी का, बाकी ये दोनों पहले के हैं, पहले के। अच्छा ये जो घर और ये सब शायद नए बन गए ना अंकल? स्कूल ही होता, स्कूल था उधर। अच्छा वो स्कूल था, वो भी दिखाया जाता है ना, वो भी दिखाया जाता है। अच्छा ये वाला नया बन गया है, ये मंदिर शायद, ये मंदिर पुराना है? सब पुराना हो गया। ये सब पुराना है, नए हो गए ये बिल्डिंग सब नए हो गए। अच्छा इसके अलावा अंकल और भी यहाँ पे कोई मतलब दूध का कर्ज की और भी कोई शूट कहीं पर भी शूट हुआ था? अभी 6 महीने के बाद डिस्को फिल्म की एक मराठी फिल्म थी। अच्छा अभी हो गई। अच्छा दोस्तों, जो सदाशिव होते हैं, जो लास्ट में जेकी सराफ उनको पकड़ते हैं, तो इसी रास्ते से वो भागते हुए आते हैं। स्क्रीनशॉट में अगर आप देखेंगे तो पूरा रास्ता है एकदम उजड़ा हुआ होता है, टूटा फूटा ये सारे घर बने होते हैं, लेकिन आज क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, जिस वजह से आप रास्ते भी देख सकते हैं RCC के पड़ गए हैं, लेकिन पहले क्या था, कच्चा रास्ता था जिधर से वो भागते हुए आते हैं। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से मैच करके, इसी रास्ते का सीन होता है जब वो भागते हुए आते हैं। तो इसी रास्ते से भागते हुए आते हैं और उसके बाद में इधर को जाते हैं, तो जेकी सराफ उस बरगद के पेड़ के नीचे बांधते हैं। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग गांव वाले बैठे थे। ये पुराना मंदिर था, वो ये दीपमाल थी, पुराना मंदिर था, उसके ऊपर नगारखाना था, उसके ऊपर लोग बैठे थे,
ये इधर हनुमान जी का मंदिर था वो पत्थर का था शेड, उसके ऊपर भी लोग बैठे थे, सारे गांव वाले ये सीढ़िया पे भी लोग बैठे थे। अच्छा अच्छा तो वो जो मार रहे थे उसके बाद में मारने के सीन के बाद में मतलब वो लोग तो मिले होंगे आप लोगों ने देखा? हाँ मिले, हमारे गांव को बहुत लोग मिले, ये हो गए। उसके बाद नहीं आए यहाँ? उसके बाद नहीं, वो फिर वो शूटिंग के बाद नहीं कोई शूटिंग हो गई, नहीं कोई शूटिंग हुई। लेकिन एक बार बताइए अंकल, उम्र आप कक्षा 5 में थे ठीक है, 5वीं क्लास में थे, आपको इतना सारा पता है, आपको फिल्मों के बारे में खूब अच्छी जानकारी है। अच्छा हिंदी फिल्में देखते हैं यहाँ पे? देखते हैं। लेकिन वैसे लोकल लैंग्वेज में फिल्म यहाँ पे बताई थी कि मराठी फिल्म यहाँ पे कोई शूट हुई थी, मराठी मूवी, मराठी पुराने जमाने की 2-3 फिल्म शूट हो गई है। अच्छा यहाँ पर? अच्छा वो सांप को जो कटाते तो मेरी समझ से उसको हाथ से ही कटाते होंगे ना? नहीं वो एक तार खींचा था, वो तार उसके ऊपर खींचा था, उसको चाबुक से मार रहे थे मंदिर में बैठ के, वो कलर में डुबा के वो चाबुक का उसके ऊपर निशान बना के रखे थे। अच्छा जेके श्रॉफ वहाँ पर रस्ते में बांधते थे? नहीं, पूरे गाँव में भाग के आए थे सदाशिव अमरापुर कर जाके श्रॉफ। अच्छा अरुण ईरानी उधर थी, उधर बांधा था वो सीढ़ी है, उधर उसको बांधा था। अच्छा बच्चा भी वो रियली था, बच्चा जो रखती है गोदी में? नहीं नहीं वो हाँ कोई कोई टाइम दिखाना है तो वो बच्चा ओरिजिनल रहता है, जब ऐसे ही पकड़ना है लपट के रखा है तो वो नकली था। नकली था तो सारा सीन यही पे फिल्म आया? यही पे फिल्म आया था, फिल्म का स्टार्ट था और लास्ट ये हमारे गांव में हो गया था। और अगर अंकल जी आपका वीडियो अगर जेके श्रॉफ जी तक पहुंचता है तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? नहीं अच्छा फिल्म था, अच्छा ये रहा मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं, उसका लड़का है वो भी अच्छा बनाया उन्होंने। जेके श्रॉफ तो दिल के बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है। लेकिन अगर उन तक अगर आपका वीडियो पहुँच जाता है तो आप क्या बोलोगे, अगर आप उनको बुलाना चाहोगे अपने गाँव में? हाँ कभी तो आ जाइए, हमारे मंदिर का काम चालू है। अच्छा अच्छा उद्घाटन पे आ जाइए हमारे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो हमारी यही आग्रह रहेगा उनसे सर जी से कि ये हमारे गांव के मंदिर के उद्घाटन को आ जाइए। अच्छा अच्छा थैंक यू अंकल। और सदाशिव का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है फिल्म के अंदर जिसका नाम है धूम दबा के, ऐसे हर बार में वो कहते हैं कि मेरा ये तकिया कलाम है और बोलते हैं धूम दबा के। तो दोस्तों और उसके बाद में दोस्तों अभी हम आपको वो सीन दिखाते हैं जहाँ पर खड़े रहते हैं जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ इस जगह पे खड़े रहते हैं, जो ये आप देख रहे हैं ना ये वैसी की वैसी ही डिज़ाइन है, और ये जो निकला हुआ है ना पुल वो देख सकते हैं। तो इस जगह पे क्या होता है कि जब उन्हें बांधते हैं सदाशिव को इस जगह, तो उसकी जो रस्सी है वो यहाँ पर लाते हैं, और रस्सी लाने के बाद में जो जैकी श्रॉफ होते हैं तो इस जगह पर खड़े होते हैं कोड़ा लेके। तो दोस्तों इसी जगह का नज़ारा आता है, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, ये वही जगह है। और अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं जो ये पुल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये दीवार है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसी जगह पे फिल्म का सीन लिया जाता है। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन इधर से लिया जाता है, क्या होता है जब सदाशिव को जैकी श्रॉफ लेके आते हैं इधर से दौड़ाते हुए, तो फिर इस जगह पे ही बांधते हैं, तो उसमें इस पेड़ का नज़ारा दिखाया जाता है, और सदाशिव अपने हाथ में जो कि हीरे पकड़े रहते हैं, और जब जैकी श्रॉफ उनको बांधते हैं और बांधने के बाद जब उन्हें कोड़े मारते हैं तो हीरे जो होते हैं वो इसी जगह पर गिर जाते हैं। तो देख सकते हैं जो ये पुल है ये वही पुल है जो उसके अंदर खंभे का पुल दिखाया गया था, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना ये छोटा सा डिज़ाइन का पुल बना है वो भी दिखाया जाता है। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं सदाशिव को इसी जगह पे बांधते हैं जैकी श्रॉफ, लास्ट में जब उन्हें कोड़ों से मारते हैं तो ये वही पेड़ दिखाया जाता है, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर मैच करके देख सकते हैं। जो सीन रहता है वो इसी जगह का फिल्माया जाता है। क्या है अभी कि जो ये पेड़ है वो उसकी शाखाएं जो हैं कट गई हैं जो कि इधर को आई हुई थी, तो इसी साइड में सड़क के ऊपर ही बांधते हैं, और गांव वाले सारे चारों तरफ खड़े रहते हैं इस साइड से, तो इसी जगह का नज़ारा होता है। और अभी आप पीछे देख रहे हैं जो ये मंदिर है ये नया बन रहा है, और इधर भी काफ़ी जो है डेवलप हो गया, ये भी मंदिर नया ही बन रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रॉपर इसी जगह का सीन था। दोस्तों एक सीन इधर से लिया जाता है, क्या होता है जब जैकी श्रॉफ के पिताजी को अमरेश पुरी और सदाशिव मारते रहते हैं, तो इसी जगह का सीन रहता है जिसमें एक ये छोटा सा पुल है वो आप देख सकते हैं, और एक ये बड़ा जो पिलर है वो देख सकते हैं। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दी है और आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, इसी जगह का सीन रहता है, और सारे गांव वाले गोले में घेर के खड़े होते हैं। तो ये वही जगह है, अभी यहाँ पे स्पेस बहुत कम है लेकिन शूटिंग के टाइम यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, आप देख सकते हैं ये मंदिर वगैरह भी बन गया है। तो प्रॉपर सीन इसी जगह का था। दोस्तों ये वही पेड़ है, आप देख सकते हैं इसकी जो डाल है वो कट चुकी है, यही पेड़ दिखाया जाता है फिल्म के अंदर, और इसकी ही डालों में एक बार
सदाशिव को जे की शराब बांधते हैं, और उसके बाद में एक बार जो सदाशिव हैं और अमरेश पुरी हैं और प्रेम चोपड़ा हैं, वो जो जे की शराब के पिताजी होते हैं फिल्म के अंदर, उनको बांधते हैं इसी पेड़ की शाखाओं में। तो ये वही जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से। और जितने भी सीन लिए गए थे स्टार्टिंग के और लास्ट के, जो पेड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोड़े मारते हैं, वो सारे के सारे इसी जगह के थे। और ये जो खम्भा है ये आज भी वैसा का वैसा ही है, और पेड़ पूरा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ही बचा है, बाकी तो सारी डारें कट गई हैं। और जब सदाशिव भागते हुए आते हैं तो उस रास्ते से आते हैं, जो वो रास्ता आप देख रहे हैं सामने, इसी रास्ते से भागते हुए आते हैं जब जेकी शराब उन्हें लास्ट में फिल्म में भगाते हैं, तो उसी जगह का सीन रहता है। और अभी हम आगे चलते हैं और उस गली का नज़ारा आपको दिखाते हैं जहाँ से वो भागते हुए आते रहते हैं। और जो ये आप स्कूल देख रहे हैं ना, ये स्कूल की जो ये दीवार देख रहे हैं ना, ये नई बनी है, उस टाइम का था ये दुकान उकान और ये दीवार वीवाल कुछ भी नहीं थी। और जो ये स्कूल है ये वैसा का वैसा ही दिख रहा है। अभी हमने स्क्रीनशॉट लगाया है एक, अब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं जब अमरेश पुरी कोड़ा मारते रहते हैं जेकी शराब के पिताजी को, तो इस स्कूल का नज़ारा बैक में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, थोड़ा पास से आपको दिखाते हैं अंदर से, तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पर जगह नहीं है दिखाने के लिए, देख सकते हैं ये वही स्कूल है जो दिखाया जाता है मूवी के अंदर। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग लोकेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों एक कमेंट ये ज़रूर करना है कि आपको दूध का कर्ज जो फिल्म है वो कैसी लगती है, और जो उसका गाना है मेरे मुन्ने भूल न जाना, वो गाना आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।